हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनिका की सिलाई कढ़ाई चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको सलवार में पोचे लगाना बताया था और मैंने एक ऑल्टर की थी पूरी, जिसमें मैंने आपको छोटे ब्लाउज को बड़ा करना बताया था। वो मेरा 14 इंच का ब्लाउज था, वो मैंने उसको बड़ा करा तो वो 15 इंच हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पहले भी सूट की वीडियो बताई हुई है, मैंने उसमें सूट कट करना, निशान लगाना और सिल के मैंने गला भी बताया है आपको। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक सूट और सिलने के लिए आया है। फ्रेंड्स, ये सूट है अस्तर वाला सूट है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अस्तर इस तरीके से लगाया है। मैंने आपको जो पहले सूट दिखाया था बना के, उसमें मैंने पिन लगा के आपको दिखाया था कि मैंने उसमें पिन लगाया हुआ है अस्तर को एडजस्ट करने के लिए। और जो ट्रेनर होते हैं उनके लिए पिन लगाना या कच्चा करके ही हो पाता है, और जो परफेक्ट होते हैं उनके लिए डायरेक्ट वो मशीन पे सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिन लगा के बताया था उससे पहले, आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें कच्चा किया हुआ, ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे धागे, ये देखिए मैंने इसे सुई धागे से कच्चा किया, ये देखिए मैंने सुई धागे से इसको कच्चा करा है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने सूट को इसी तरीके से सुई धागे से, ये देखिए मैंने इसको कच्चा किया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको धागे दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये मेरा फ्रंट का मेरा ये पीस है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैंने मेरा जो बैक का सूट है मैंने उसको भी इसी तरीके से कर रखा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप भी सुई धागे से कच्चा करके अपने सूट को ठीक कर सकते हैं और उसको अस्तर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मशीन से करना है तो आप डायरेक्ट मशीन से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मोनिका की सिलाई कढ़ाई का चैनल और मेरी ये अस्तर लगाने की ट्रिक? फ्रेंड्स, आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं और पिन से भी अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये सूट में मैंने अस्तर को एडजस्ट कर लिया है। अब मैं आपको इस सूट को स्टिच करना बताऊंगी, जिससे मैं आपको बाजू कटिंग बताऊंगी, बाजू को लगाना बताऊंगी और गला बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसको कटिंग करना बताऊंगी। अस्तर वाले सूट में फ्रेंड्स मुश्किल तो थोड़ी होती है, लेकिन जितनी हम सिलाई देते हैं उससे बेहतर यही है, उससे बेस्ट यही है कि आप सीख जाए कि किस तरीके से अस्तर लगाते हैं। बनाना आपको सेम उसी प्रोसीजर से है, लेकिन अस्तर को लगाने के लिए काफी तरीके होते हैं। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है, पिन लगा के या सेफ्टी पिन लगा के या सुई धागे से कच्चा करके। अगर आप परफेक्ट हो गए हैं तो आप मशीन से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, कल मैं आपको इसका नेक बनाना बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स।